क्योंकि सारी उम्र इनकी, वो सारी उम्र इनके लिए झाड़ी करता, मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी शाम को बिना रोटी के सोता है। वो सारी उम्र की बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है और शाम को बिना छत के सोता है। वो सारी उम्र के खेतों में इनके अनाज काटता है, इनकी खचर फसलें बोता है, लेकिन फिर भी रात को भूख के पेट सोता है। और वो लोग आज इस देश में इन सबके खिलाफ विपक्ष, और इस विपक्ष को बरकरार रखने को बताना है। जो विपक्ष केवल संसद में नहीं है, विपक्ष देश की सड़कों में, दलितों की बस्तियों में है, और उन मुसलमानों को में है जिनको आप रोज केवल इसलिए मारे थे, वो लोग मुसलमान हैं। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में साथी उमर है, उमर खालिद आप सबको जानते भी हैं। उमर के ऊपर छोटे से सरकार ने मुकदमे लगाए थे पिछले साल, जिसकी आज तक चार्जशीट तक पेश नहीं हुई, उसकी आज तक चार्जशीट नहीं आई। कल लोगों को फैला दिया कि ये देशद्रोही, ये देशभक्त। हम पूछते हैं वो गुजरात के दंगे करवाने वाला देशभक्त क्या? हम पूछते हैं कि हमारे सब्बीरपुर में लोगों घर से जाने वाले देशभक्त क्या? हम पूछते हैं कि जो लोग इतने बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं वो लोग देशभक्त? वो लोग जो कि यूपी गद्दी बैठे हैं और लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई कर सकते, पर दूसरी तरफ गुजरात में ये लोग विधायक तक खरीदने के पैसे। तो तमाम ये लोकतंत्र में सवाल उठने चाहिए ताकि लोकतंत्र को बेहतर बनाया जा सके। मैं साथियों को बुलाऊंगा, पूरी बात रखें।